प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खाद्य सुरक्षा की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस नीति का एक अहम पहलू है खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण। भारत सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग हर खरीद सीजन के पहले धान और गेहूं की गुणवत्ता के पैरामीटर्स की घोषणा करता है, जिसके बाद भारतीय खाद्य निगम यानी FCI अपनी मंडियों और डिपो में इन गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुसार खाद्यान्न की खरीद करता है। हर एक FCI डिपो में खाद्यान्नों की जांच की सुविधा होती है। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण के लिए देश भर में FCI के 188 जांच प्रयोगशालाओं का संचालन है। खरीद के बाद खाद्यान्नों के गोदाम पहुंचते ही संरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नमी और जमीन के संपर्क में आने से बचाने के लिए बोरियों को वुडन क्रेट्स और पॉलीप्लेट्स पर रखा जाता है। प्रत्येक 3 महीने पर स्टॉक की डेल्टा मेथ्रीन से प्रोफाइलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट की जाती है। संक्रमण होने पर एल्युमिनियम फॉस्फाइड से उपचारात्मक प्रक्रिया की जाती है। FCI सुनिश्चित करता है कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक हो।